ओके okay, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट और बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, कि उसका मोशन सर्कुलर होगा, कि उसका मोशन हेलिक्स विद कॉन्स्टेंट पिच होगा, कि उसका मोशन हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच होगा, कि उसका मोशन हेलिक्स विद डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग पिच होगा, कि मोशन साइक्लॉयड हो, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है उसके सहायता से समझते हैं। जैसे सपोज फिर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो, मतलब मैं एक एक केसेस करके बना रहा हूँ, जैसे केस वन, केस वन कर पीछ लेते, केस वन ये है। सपोज करो क्वेश्चन में कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये है जीरो, और वेलोसिटी वेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल ये कंडीशन। अच्छा पैरेलल बोले या ठीक है, पैरेलल पैरेलल कंडीशन तो खूब आराम से निकाल सकते हो भाई। भी का जो कोफिशियंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो कोफिशियंट होगा उसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल, बी एक्स अपान बी एक्स इक्वल टू बी वाई अपान बी वाई इक्वल टू भी जेड अपान बी जेड हो गया, तो पैरल हो गया, या भी क्रॉस भी जीरो हो गया तो पैरल हो गया। अगर ये कंडीशन है तो टाइप ऑफ मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट मोशन इज एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन विद स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगी बेसिकली। ये हो गया केस टू की बात करते हैं। केस टू में अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मानते हुए चलेंगे। अब मैं कहूँ सपोज पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो मतलब है कि भी डॉट बी जीरो है, इस फोर्स का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, सर्कुलर सर्कुलर, एग्जैक्टली सर्कुलर, सर्कुलर होगा, स्पीड कॉन्स्टेंट रहे, स्पीड कॉन्स्टेंट रहे। केस थर्ड, केस थर्ड में कह रहा हूं अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन। यहां पे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी वेक्टर डॉट वी, इसका मतलब यही है ये कंडीशन होल्ड करेगा, लेकिन अब ये है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, मोशन हेलिक्स होगा, बी और बी मतलब ऐसे हैं, तो दैट मींस इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा और ये वाला कंपोनेंट जो होगा इसको आगे बढ़ा, तो ये होगा हेलिक्स, दिस इज द हेलिक्स विद कांस्टेंट कांस्टेंट पिच। पिच। हम बात करेंगे केस फोर का। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में हर पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर लिया, एक नॉट जीरो होगा एक जीरो होगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो या नहीं जीरो हो, पैरेलल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब लाएंगे, लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड नॉट इक्वल टू जीरो। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड वेट करना एक सेकेंड। चलिए क्लास में था इसलिए, ओके। इसके बाद हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो है, इसको पता है, ये नॉट नहीं लिखा जाता, ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है या किसी एंगल पे जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स पैरेलल है,
इस केस में, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एंड फील्ड का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज पॉजिटिव, मतलब इसको ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। इस केस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, लेकिन वेलोसिटी एक्यूट एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंड वेलोसिटी एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इस कंपोनेंट से सर्कुलर मोशन होगा और इस कंपोनेंट से वो आगे भागेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, एंटी पैरेलल नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल है, उधर ही भागेगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, दैट मींस ऐसे घूमेगा लेकिन पिच इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो दो कॉइल बनेगा उस कॉइल की बीच दूरी पहले इतना फिर इतना फिर इतना, कॉइल की बीच दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर बी डॉट बी जीरो, बी डॉट बी जीरो मतलब क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे खींचेगा ना, वेलोसिटी बढ़ाते जाएगा, तो फिर अभी भी इंक्रीजिंग पिच बनेगी, बस वगैरह में क्या कह रहा हूं, हाँ मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी जीरो होगी तभी भी वेलोसिटी एक्सिस का लॉन्ग बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो पिच इंक्रीज करेगा, सिंपल बात है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी पिच इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी पिच डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा तो पिच कम होने लगा वन टाइम पीरियड में, तो हम इसमें बोलेंगे हेलिक्स तो होगा हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच होगा, इंक्रीजिंग पिच। ओके हम केस फोर की बात करते हैं, फिफ्थ की, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, बट वी डॉट बी ये निगेटिव है, लेस देन जीरो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो, इस केस का मोशन क्या होगा, हेलिक्स तो होगा पैरेलल की वजह से, हेलिक्स तो होगा बट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग पिच, इंक्रीजिंग पिच, ये उल्टा हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एंड वेलोसिटी ऑब्ट्यूस एंगल पे, डॉट प्रोडक्ट निगेटिव है, तो आ गया इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है ना, तो रिटायर्ड करवाएगा, तो इसका मोशन सर्कुलर तो होगा ऐसे, लेकिन पहले इधर वेलोसिटी धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगी, जीरो घट के फिर उसी पे ऐसे घूम जाएगी, मतलब मोशन ऐसे होता है, इधर जाएगा ना ऐसे, ऐसे होगा ऐसे, फिर वेलोसिटी जीरो, जीरो होने पर भी ऐसे ही घूमेगा, ऐसे नहीं गलती से वैसे नहीं, उसी सेंस से घूमता है, ऐसे अनचेंज रहता है, सेंस अनचेंज रहता है, क्योंकि घुमा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे जाके ऐसे ऐसे वेलोसिटी जीरो, कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, ये वाली नहीं, इस एक्सिस के अलावा वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसे घूम के एक्सिस के अलावा वेलोसिटी जीरो, बट ये तो अभी भी रहेगा सर्कुलर वाला, फिर भाग जाएगा, तो फिर मोशन ऐसे होगा, ऐसे होगा अब एक्सिस वेलोसिटी जीरो, फिर अब पिच बढ़ने लगेगा, तो पहले पिच घटेगा ताकि एक्सिस वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो बाद में पिच इंक्रीज कर देगा, अब लगातार इंक्रीज करेगा, ठीक है। केस सिक्स ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इस मोशन को बोलते हैं साइक्लॉइड मोशन, ये साइक्लॉइड मोशन, ये वेलोसिटी जीरो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं जीरो है तो साइक्लॉइड तो बनता है बट प्योर रोलिंग मोशन नहीं होता, और यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे उठता है, एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे उठता है,
एक कर्व ऐसे कटता नहीं है, ऐसे नहीं कटते, गलत है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्जैक्टली जीरो होता है, राइट राइट मोशन में यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो होता है। और किसी को याद है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यहाँ पे टॉप पे फोर आर, फोर आर होता है। ये ऐसे होता है, अब प्लेनर मोशन है, दिस इज द सैटेलाइट मोशन। ये स्पेशली यही छह केसेस बताया जाता है, ठीक है, चेक करना कि बात कैसा हो। बाकी अगर कुछ चीजें और चेंज होती हैं तो फिर समझना पड़ता है, जैसे हम समझ समझ के बना रहे थे वैसे उसको समझना पड़ता है, अदरवाइज इसमें तो लगभग सब चीजें आई जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं अब होमवर्क बता दूं,